Okay students, now today we are going to start fifth chapter linear equation with two variables. वेरिएबल्स के सम्स, वेरिएबल के साथ सम्स करना तुम लोगों ने ए स्टैंडर्ड में सेवन्थ एट में तुम लोगों ने सीखा होगा. ओके, नाइन्थ में वन वेरिएबल के साथ तुमने सम सॉल्व किए होंगे. अब नाइन्थ में तुम लोगों को टू वेरिएबल के साथ सम सॉल्व करने. ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन होते कैसे टू वेरिएबल के साथ, देखो. अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूँगा लाइक एट प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन, एट प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन, तो अगर मुझे y फाइंड करें तो मैं क्या करूँगा, 11 माइनस एट, राइट. जो आंसर आया उसमें से एक नंबर को मैं माइनस करूँगा, क्योंकि दो नंबर को ऐड करूँगा तो 11 आता है, उसमें से एक 8 है लेकिन दूसरा क्या है. तो मैं क्या करता हूँ कि टोटल में से इसको माइनस किया एंड आई गेट आंसर 3. तो y की वैल्यू क्या है, 3. y की वैल्यू क्या है, 3. अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो क्या करोगे, देखो ये माइनस वाई है. ओके, तो 5 ग्रेटर नंबर, आंसर क्या आता है, माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई को यहाँ पे लेके गए, राइट. देन व्हाट आई गेट, वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू क्या थे, 2. लेकिन अगर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें मुझे x और y मिल सकता है क्या, मैं x और y को आसानी से इजीली फाइंड कर सकता हूँ क्या, कि x क्या आएगा, y क्या आएगा, नहीं. अब देखो ये जो है इसके बहुत सारे सोल्यूशन से डाल सकते हैं. दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने के बाद 10 आएगा, तो 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7 के, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5, 6 प्लस 4, 11 माइनस 1, 12 माइनस 2, 13 माइनस 3, 14 माइनस के, मतलब ऐसे दो नंबर्स के जिसको ऐड करने पर क्या आने चाहिए, 10. जैसे 11 प्लस माइनस 1, 11 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस माइनस लेगा सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आया 10. तो इसके बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, राइट. लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली दो एक ही सॉल्यूशन चाहिए. अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक इक्वेशन लेना पड़ेगा, और एक कंडीशन हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, एंड दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे और एक कंडीशन डाल दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट. क्या क्या हम लोग ने यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे डाल दी. सो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट. लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम लोग दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे वेरिएबल्स और यहाँ पे नंबर्स है, समझ में, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, समझ में, वही हम लोग इस चैप्टर में अभी देखने वाले कि अगर दो ऐसे वेरिएबल्स है, सॉरी दो अगर इक्वेशन, दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन को लेके हम लोग इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते है, वो हम लोग को क्या करना अभी इसमें देखना है. ओके, देखो अगर ऐसे सम्स है एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ओके, दीज आर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. अब मैं एक बात और तुम लोगों को बताऊंगा, वो ये है कि ये जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल 10, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. x always be first, x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ax plus by is equal to c. इस फॉर्म में हमेशा दोबारा इक्वेशन आना चाहिए, ओके. इसमें a और b क्या है, रियल नंबर थे, a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b नेवर बी ज़ीरो, a एंड b नेवर बी ज़ीरो, ओके, इज इक्वल टू सी. अब इसमें देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ये का स्टैंडर्ड है. अब इसमें देखो ये एक सम है और ये एक सम है, तो इसे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब ये स्टार्ट करने से पहले, ये सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे टिप्स है इसके, कुछ रूल्स है,
ओके उसको रूल्स कह सकते हो या फिर टिप्स कह सकते हो तुम्हारे याद रखने के लिए, समझने के लिए, वो ये है कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि इसमें से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या, उसको टेम्पररी साइड में रखना है। रियलिटी शो देखते हो तो रियलिटी शो में तुम देखते हो आज एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मतलब क्या कि किसी एक को छोड़ देते ना, निकालते हैं वहाँ से, वैसे हमें यहाँ पर भी क्या करना है कि इसमें से एक को हमें फिलहाल एक वेरिएबल को क्या करना है, निकालना, उसको साइड में रखना है। लेकिन उसको हम लोग ऐसे ही नहीं निकाल सकते, हम लोग उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है एंड दैट्स कंडीशंस आ उस वेरिएबल को निकालने के लिए उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं सोचूं यहाँ पे x को मुझे भगाना है यहाँ से निकाल, तो x के कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे जो नंबर्स है इसके साथ में वो नंबर सेम होने चाहिए, बिकॉज 5-5 इज इक्वल टू 0, राइट। 5-5 इज इक्वल टू 0 मतलब 5 बच्चे मुझे वहाँ पे 0 लाना है, तो पाँचों के पाँचों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 4 बच्चों को निकालूंगा तो 0 आएगा क्या आंसर, नहीं, एक अभी भी बचा है, राइट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर उसको एलिमिनेट करना है तो उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, लाइक 1-1-1-1, ओके। नेक्स्ट, अब इसको एलिमिनेशन करने के लिए उस वेरिएबल को एलिमिनेशन करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। अब एलिमिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले कंडीशन क्या बताया कि उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट, ओके। अब उसके बाद उसके साइन अगर डिफरेंट है, लिसन केयरफुली, अगर उसके साइन लाइक वाई प्लस वाई माइनस वाई 1-1, समझ में आया। देखो जिसके दोनों के साइन अगर अलग है जैसे प्लस और माइनस, तो इनको एलिमिनेट करना बहुत ईजी होता है। कैसे, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सपोज x को निकालना है तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, समझ में। तो हम लोग एडिंग का भी सम देखेंगे और एक सब्ट्रैक्टिंग का सम भी देखेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोग क्या करें, पहला कंडीशन मैंने बताया था हम लोग को क्या कि कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, चलो x के भी और y के भी। सेकेंड मैंने बताया कि दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो उसको एलिमिनेट करना इजी होता है। तो किसके साइन डिफरेंट है, y के, तो y को निकालना क्या है, बहुत ही ईजी है। तो अगर y को निकालना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा, समझ में, लिसन केयरफुली, जब साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों उन इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लाइक अब देखो ये इक्वेशन 1 और 2 है, तुमने सिलेक्ट किया कि y को मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तुमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद ये दोनों कट हो गए, प्लस माइनस, समझ में, ये 5 और ये भी 5 है तो कट हो गए। नाउ x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 12, क्या आंसर है, 2x इज इक्वल टू 12 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या है इसमें, 6 आई है। अब तुम्हें पता है कि ये दो नंबर में से एक नंबर मेरा 6 आया, सेकंड कैसे फाइंड करोगे, प्लेस x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू व्हाट, 4, ओके। सॉल्यूशन सेट लिखते समय हमेशा पहले x का वैल्यू लिखो, दैट इज 6 एंड देन y, इट इज 4, आया समझ में।
ओके तो इस तरह से क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी है तुम लोग को मैं क्या करूँगा जब एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा यहाँ पे, जब स्टार्ट करेंगे लोग एक्सरसाइज तभी मैं तुम लोग को उसमें से एक एक ट्रिक बताते जाऊँगा। ये बेसिक है कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। गेट इट एवरीवन? वेरी गुड।